प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे हम लोग जो है बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किए, कॉन्ट्रैक्ट का क्या इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में हमने देखा, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए, है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट क्या था? लीगल एग्रीमेंट था बिटवीन टू पार्टीज़, है ना, दो पार्टीज़ के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट था। जो पहला पार्टी था वो ऑनर हुआ, दूसरा पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्टर आपका होता है। तो ओवरसीइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग जो भी इफ़ेक्टिवली थ्रू आउट लाइफ या जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एग्जीक्यूशन में है, या जो फी फुलफिलमेंट है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, है ना, इफ़ेक्टिवली उसको जो चेक किया जाता है वही हमारा मैनेजमेंट है। मतलब किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज किया जाए ताकि जो भी वर्क एग्जीक्यूशंस है या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑनर का या जो भी ऑनर का डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पूरा किया जा सके, तो वो जो एक्टिविटीज़ है या वो जो प्रोसेस है उसी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है कई सारे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है, जैसे आपका नेगोशिएटेड, इम्प्लीमेंटेड, मैनेज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स, मिनिमाइज रिस्क फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, साथ ही साथ आपका जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्राफ्ट बनाए हैं वो प्रॉपर बनाना पड़ता है ताकि जो टास्क हमें दिए गए हैं, जो काम दिए गए हैं उसको बेटर किया जा सके। यानी एक जो भी फुलफिलमेंट है ना ऑनर का वो किया जा सके। तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के, जिसमें सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन से। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन जो है इन्वॉल्व करता है कि भाई कोई भी पार्टीज़ का क्या नीड है और क्या उसका उद्देश्य है, उसके आधार पे एक ड्राफ्ट क्लियर बनाया जाता है और जो भी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हैं उसको देखा जाता है और एक नेसेसरी अप्रूवल्स जो है ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्यूरेटली एक रिटेन फॉर्म में होना चाहिए और रेलिवेंट उसका स्कोप ऑफ वर्क, डिलीवरेबल, प्राइसिंग, टाइमलाइन और लीगल कंप्लियंसेस आपका होना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है या रोल निभाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। पार्टीज़ जो है इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिस्कशंस होता है और एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल टर्म्स होते हैं। और तो उस केसेस में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑनर से क्या करते हैं, नेगोशिएट करता है ऑन द प्राइस कि भाई पैसा को और बढ़ाइए, है ना, पेमेंट टर्म्स। मान लो कि पेमेंट टर्म्स है कि आधा पैसा हम आपको अभी देंगे और आधा पैसा जो है हम आपको कंप्लीट होने के बाद देंगे, उसमें भी नेगोशिएशन किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो कॉन्ट्रैक्टर ऑनर को बोलता है कि सर आप इस टर्म्स को जो है हटा दीजिए, ये चीज़ हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, है ना, या इस चीज़ को अगर आप इंक्लूड करवाएंगे तो पैसा जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें। और भी कई सारे रेलिवेंट प्रोविजंस होते हैं जिसे क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन किया जाता है। एक इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट लिफ्रैक्ट्स और जो भी इंटरेस्ट होते हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं सभी पार्टीज़ के वो प्रॉपर तरीके से हो सके, उसके लिए इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन जो है हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, भाई जब हमारा नेगोशिएशन पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले क्रिएट किए उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन किए, तो जब कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ,
कि आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी काम जो है करना स्टार्ट किया जाएगा। तो जो एग्जीक्यूशन वर्क है उसमें आपका कई सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बेसिस पे डिपेंड करता है, जो कि ज्यूरिसडिक्शंस और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। जो कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो इम्पॉर्टेंट है कि भाई उसको इन डिटेल जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से कम्युनिकेट किया जाए, बात किया जाए, ताकि एक एवरीवन इन्वॉल्व हो सके अपने कामों को लेकर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ताकि जो भी काम लिया गया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं उसको पूरा किया जा सके। और जब भी काम पूरा किया जा रहा होता है तो उस समय उसे पर जो भी परफॉर्मेंस हो रहे हैं उसको मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है। तो मॉनिटरिंग भी जो है एक पार्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग ना करें तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्रीमेंट आपने किया है, जो भी टर्म्स हैं, अगर उसके अनुसार आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप जो काम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो सही नहीं होगा। यानी आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है काम को लेकर, उस काम को आप फुलफिल नहीं करेंगे, यानी आप उस परफॉर्मेंस को देने में आप फेल हो जाएंगे। जब आप काम या जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसको कंप्लीट करने में आप फेल हो जाते हैं तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और आपकी लॉसेस बहुत ज़्यादा होगी। तो परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। कई बार जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट या कोई चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है ना, सरकमस्टांसेस को देखते हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिव मैनेजिंग चेंज रिक्वेस्ट या असेसिंग इम्पैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट या जो भी इम्प्लीमेंटिंग नेसेसरी अमेंडमेंट है या मॉडिफिकेशंस है, ताकि एक प्रॉपर कंट्रोल प्रोसेस किया जा सके, तो वो किए जाते हैं। रिस्क और इशूज़ मैनेजमेंट, अगर कोई रिस्क है या इशूज़ है या मिटिगेशंस है या कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाई जा रही है, तो उसको भी जो है एक प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर प्रॉपर असेसमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारा किसी काम का नहीं है। मान लो आप कोई एक्सपायरी डेट आपका है और एक्सपायरी डेट पे आप काम नहीं करते हो, है ना, या आपका काम पूरा नहीं हो पाता है, तो आप जो है ऑनर से बोल सकते हो कि भाई मुझे जो है आप 2 दिनों का और वक्त दीजिए या 2 महीने का और वक्त दीजिए, क्योंकि इस कारण से आपका जो है आपने काम तो हमें दिया था बट हम इस कारण बस आपका जो है काम नहीं कर पाए, है ना, इसमें डिले होगा। तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट का अगर ऑनर चाहेगा तो उसको रिन्यू कर देगा कि ठीक है, चलो भाई 2 महीने के लिए और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को जो है मैं जो भी पीरियड है उसको मैं जो है आगे बढ़ा देता हूँ, ताकि आप जो है उसको फुलफिल कर सको। क्योंकि देखो, अब कोविड आया था आपका 2020 में, है ना, तो कोविड जो 2020 में आया, तो 2020 में अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया होगा तो उसमें थोड़ा डिले हुए होंगे, क्योंकि हर जगह जो है आपके लॉकडाउन लगे हुए थे जिसके कारण से। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट जो है आपका जारी किया जाता है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिकेशंस और जो भी चेंजेस है या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी का एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखा जा सके। और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया जा सके। प्रीवियस अगर उससे रिलेटेड या उसके जैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है हमारा हुआ है ना, तो उसमें उस एरिया में अगर कुछ इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है तो उसके रिलेटेड जो है हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स वगैरह का यूज़ करके हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। और बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए
जब तक हम लोग एक ऑप्टिमाइजिंग नेगोशिएशन स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे या स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, तब तक जो है हमारा प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है वो हमारा नहीं हो पाएगा। ओके, अब बात किया जाए रोल की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या रोल होता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग पहला काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का कि प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से हो, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और जो भी डिलीवरेबल पार्ट्स हैं उसको बेटर तरीके से काम कर सके। दूसरा, टीम मैनेजमेंट। ऑब्वियसली भाई, अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसको एक टीम दे दिया गया कि आपको जो है जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें यूज किए जाने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं वो आपको ही देखना है कि कौन सा मटेरियल घट रहा है, बढ़ रहा है, कौन सा मटेरियल की ज़रूरत है, कौन सी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मंगवाना है ना, अगर कोई मटेरियल बचे हुए है तो उसको वापस करना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है मतलब, और जो भी एक टीम दिया गया है आपको उस टीम को मैनेज करना, जितने भी उस टीम में मेंबर्स हैं उन सभी को मैनेज करना, उन सभी को कोलैबोरेशन देना, कम्युनिकेशन करना एक इफ़ेक्टिवली, ताकि जो भी प्रोजेक्ट्स है वो ऑन द टाइम हमारा जो है कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए जो है टीम मैनेजमेंट भी जो है ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आपका होता है। इसके अलावा आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट है ना, रिस्क को मैनेज करने के लिए भी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है क्या करता है कि कौन सा रिस्क है और उसको एक डेवलप किस कौन सा स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे ताकि जो रिस्क है ना उसको जो है एक प्रॉपर रेगुलेट किया जा सके, और उसको अगर कोई शॉर्ट आउट करने का कोई तरीका है, ख़त्म करने का तरीका है या अवॉइड करने का तरीका है तो उसको जो है क्या किया जा सके, अवॉइड कर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको अवॉइड किया जा सके या ख़त्म किया जा सके इशूज को। तो उसके लिए भी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत हमें जो है बजट बनाना और रिसोर्स एलोकेशंस के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम जो है जो कोई भी अगर प्लान वगैरह हम लोग जो है बनाएं और प्लान को बनाने के बाद हमको उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसके परफॉर्मेंस को देखना है, तो परफॉर्मेंस को देखना है तो उस कंडीशन में भी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा क्वालिटी को मैनेज करना, साथ ही साथ स्टेक होल्डर को मैनेज करना और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं या कोई रिपोर्ट वगैरह है आ रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से देखना, ताकि जो भी शेड्यूल है या जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है या जो प्रोजेक्ट प्लान्स है उन सभी को जो है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना भी जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है काम होता है। फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से फेजेज होते हैं। तो सबसे पहला फेज होता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग जो है एक्टिविटीज़ को, अलग अलग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉस्ट को, ड्यूरेशन को, जो भी प्रोजेक्ट में लगने वाली पैसा है, कितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट होगा है ना, कौन कौन से काम होगा प्रोजेक्ट में, तो उसका जो है प्लानिंग करना जो है हमारा पहला फेज होता है। दूसरा फेज होता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में क्या होता है कि भाई कब कोई काम स्टार्ट होगा और कब कोई काम ख़त्म होगा और उन दोनों के बीच में क्या लिंकेज होगा, उसको जो है शेड्यूलिंग कहा जाता है। तीसरा होता है कंट्रोलिंग। ऑब्वियसली जब काम कोई स्टार्ट किया जा रहा है और कोई काम जो है ख़त्म किया जा रहा है, बीच में कई कारण होते हैं जिसके कारण से प्रोजेक्ट जो है डिले होता है या कोई काम को जो है रीशेड्यूल किया जाता है कि भाई ये काम अभी नहीं हुआ है तो अभी इस काम को जो है थोड़ा आगे पोस्टपोन कर देते हैं, तो वो उसको ऑपरेट करना, उसको इंश्योर करना वो कंट्रोलिंग में आएगा है ना। तो ये तीन फेजेज आपके जो है मेनली होते हैं। एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया जाए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो है किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला एक्टिविटीज़ है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन एंड ड्राफ्ट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, चौथा है कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशंस एंड पांचवा है कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज एंड रिट्राइवल, छठा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सातवां है कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट, रिस्क एंड इशूज़ मैनेजमेंट,
कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल एंड टर्मिनेशन रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इन पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी जो है हम लोग इस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं बताया हूँ। बाकी अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और बाकी जो नोट्स है वो आपको जो है आपके कोर्सेज में तो दे ही दिया गया है, तो आप अपने कोर्सेज में जो है चेकआउट कर लीजिए, आपके कोर्सेज में जो है दिया जा चुका है। और जो कि अपना ऐप जो है इंजीनियर प्लस है ना, इंजीनियर प्लस जो ऐप है उस पर जो है आपको दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जो है इसका चेकआउट कर लीजिए अपने कोर्स को। ओके, और जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।